हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो अभी जो है, अभी बजे है 6:30 बजे। मैं उठ गई थी और सारा काम धाम मैंने ख़त्म कर लिया था। और अब मैं बता दूँ तो आज ये संडे संडे वाला दिन है, फिर भी इतना ज़्यादा काम रहता है। एक जो गृहिणी होती है ना, उसको कभी भी आराम नहीं रहता। जैसे कि मुझे भी बिल्कुल भी चैन नहीं रहता, बिल्कुल भी आराम नहीं रहता, बस काम काम काम। तो अभी जो है बच्चे सो रहे थे, पतिदेव सो रहे थे, तो उनके कुछ कपड़े वपड़े धुले। उसके बाद यहाँ जूते वगैरह पतिदेव के गंदे हो गए थे तो उसको मैंने धुला। घर का सारा काम मॉर्निंग वाला हो चुका है, किचन का, बेडरूम का, झाड़ू पोछा जो होता है ना, वो सारा कुछ मैंने खत्म कर लिया है। 6 बजे उठो ना तो 7 बजे तक अच्छे से 1 घंटे के अंदर आपका काम खत्म हो जाता है, मतलब मेरा काम खत्म हो जाता है। और अगर जब उसी दिन हम 7-8 बजे उठते हैं ना, तो उस दिन 12-1 बज जाता है, काम ही नहीं खत्म होता, पता नहीं क्यों। और क्यों, इसलिए मुझे वजह भी पता है, क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं तो बच्चे शैतानी करते हैं, तो उनको पकड़ो, फिर ये दुनिया भर का काम धाम ये सारा चीज़ करो ना, तो उसी में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ऐसे रहता है कि जो है जल्दी से उठ जाओ तो जल्दी से काम हो जाता है, बच्चे भी सोते रहते हैं, काम भी हो जाता है। उसके बाद फटाफट मैंने स्नान किया, यहाँ पर पूजा करी। तो आज मैं आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। उसके बाद जो कपड़े धुले थे वो मैं फटाफट ले गई फैलाने। तो आज संडे था तो संडे वाला दिन मेरा कुछ ऐसा ही होता है। और मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ कपड़ों पे कमेंट्स मत करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कपड़े मैं ऐसे ही पहनती हूँ घर में, तो मैं जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी तरीके से मैं ज़्यादा मेंटेन होकर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकती, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि उसमें जब तक तैयार होंगी ना, रेडी होंगी, तब तक मेरे क्यूटी लोग जो है उठ जाएंगे। तो इसलिए मैं जैसे रहती हूँ मैं बस अपना ब्लॉग बनाने लगती हूँ। तो प्लीज़ कपड़ों को लेकर कोई भी कमेंट्स मत करना। तो यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े फैलाएंगे और उसके बाद फिर जो है जाएंगे तो नाश्ता बनाएंगे। वैसे आज संडे, तो संडे के दिन जो है कुछ खास ही बनता है, क्योंकि जो है पतिदेव, और मैं बता दूँ संडे के दिन पतिदेव बनाते हैं, लेकिन अभी वो सो रहे हैं तो मैं उनको सोच रही हूँ मैं बिल्कुल भी ना जगाऊँ। अभी चाय पानी हम लोग करते हैं, पहले चाय वाय बनाते हैं, तब तक अगर उठ गए तो ठीक है, क्योंकि संडे के दिन सब लोग देर से सोते हैं, हम भी देर से सोते हैं, लेकिन फिर मेरा पूरा दिन ना संडे पूरा मेरा ख़राब हो जाता है, समझो। अगर देर से उठे ना तो पूरा दिन मेरा लग जाता है, और जल्दी उठ जाते तो काम जल्दी हो जाता, तो बच्चों के साथ फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम मेरा जो है बीत जाता है अच्छे से। तो इसलिए मैं आज भी उठ गई जल्दी से, क्योंकि काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई जब घर में हो ना खासकर, तो आपको खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर चाचा जी काम पे जाते हैं, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था, तो पतिदेव ने कहा तुम खाना बना लो, नाश्ता हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जी साग मैंने काटा था, उसमें एक आध दो आलू भी मैंने काट कर लिया था, तो वो साग और आलू इसको दोनों की मैंने सब्जी बना दी है, और दाल भी बना दिया है। तो दाल में यहाँ पर मैंने तड़का लगाया, तो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो अपना वही शेयर करते हैं फ्रेंड्स, हाई फाई ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये साग बनकर रेडी हो चुका है, दाल में मैंने तड़का भी जो है मार दिया है, मतलब लगाना है। ये देखो दाल बन गई है, तो तड़का लगा दिया, फटाफट अभी बनाते हैं रोटियाँ। और ये है मेरा मॉर्निंग का जो है खाना, क्योंकि चाचा जी जाते हैं तो उनको पूरा खाना चाहिए होता है मॉर्निंग में। पतिदेव नहीं खाते पूरा खाना, थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, या कभी जो है दाल फ्राई वगैरह कर दिया तो खा लेते हैं, नहीं तो वो मॉर्निंग में बहुत कम ही खाते हैं। तो अभी खाना मेरा फटाफट रोटी बना ले, उसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाएगा मेरा। और पतिदेव को भी कॉल आ गया तो उनको भी जल्दी जाना पड़ेगा, तो हमने कहा फिर यही खाना वाना तुम भी खा लो, नाश्ता शाम को हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो मेरा खाना नाश्ता होगा वो यही होगा। और उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, उम्मीद है मुझे आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स ज़रूर कर देना। और बहुत ज़्यादा बोर करने वाला भी मैंने कुछ नहीं रखा है, सारा कुछ मैंने सोचा कि फटाफट कर दूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो रोटियाँ बन गई और ये है खाना, तो ये पतिदेव का खाना है। यहाँ पर आलू की भुजिया मैंने बच्चों के लिए बनाई है, और साथ में ये साग वाली भाजी, चावल, दाल और चटनी है, मूली है। ख़त्म किया, उसके बाद नहा धो के स्नान किया, फिर यहाँ पर फटाफट से पूजा कर रही हूँ। तो मुझे जैसे पूजा पाठ आता है फ्रेंड्स, सब वैसे ही कर रहे हैं। प्लीज़ जो है आप लोग जैसा भी करते हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो इस पर कोई कमेंट्स मत करना, क्योंकि हमको ज़्यादा पूजा पाठ आता नहीं है। तो यहाँ पर पंखा चल रहा था और मेरी जो है बत्ती नहीं जल रही थी, तो फटाफट मैंने पंखा बंद किया, भगवान जी को आरती किया। और अभी मुझे मंदिर धुलना है, तो मंदिर में मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी सब लोग वहाँ पर हैं। सामने एक लोग रहते हैं, उनकी एज है, ज़्यादा एज है, तो वो लोग भी उठ जाते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो वो लोग, तो जब मैं उठती हूँ तो वो लोग पूजा करते हैं, 5 बजे वो लोग पूजा करते हैं, हम तो 5 बजे उठते हैं, 1 घंटे तो हमको लग जाता है घर के काम में ही, और वो लोग बताओ 5 बजे उठ के पूजा करते रहते, तो कम से कम वो 4 बजे तो उठ ही जाते होंगे। हाँ, मेरे हिसाब से तो 4 बजे उठ ही जाते होंगे, तभी तो इतनी जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो कोशिश मैं भी करूँगी, क्योंकि अभी जो है
मैं सोच रही हूँ कि पूजा पाठ मैं भी अच्छे से करूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पर फटाफट पूजा पाठ किया, यहाँ पर मैंने जो है हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ, तो फटाफट से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ खत्म किया। और मेरे यहाँ बैठने की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है कि मैं मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करूँ, तो मैं खड़ी होकर ही ऐसे मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी मैंने हम दो लोगों के लिए बनाई थी, तो बड़ा से भगोना था, तो मैंने कहा उसको क्या गंदा करना, चलो इसी में निकाल लेते हैं। तो ये पतिदेव भी उठ चुके थे और अभी बज रहा है 6, तो 6 बजे वैसे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, 6 बजे का टाइम है। तो ये है पतिदेव का और मेरी चाय, और अभी चाय पीते हैं। और मेरा चश्मा देखो टूट गया है। उसके बाद पतिदेव ने कहा कि कुछ चटपटा सा खिला दो, तो बारिश भी होने लगी थी तो मैंने ये बनाया मुरमुरे। और यहाँ पर कुंज की मस्ती चल रही है, ये भी उठ गए थे, तो सारे बच्चे मेरे उठ गए थे, मतलब सारे नहीं, दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे। फिर यहाँ पर मैंने इसको बनाया। उसके बाद पतिदेव ने कहा इसमें कुरकुरे मिक्स कर दो, मतलब उनको कितना चटपटा आज खाने का मन था। और शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पकौड़ियाँ बना दो, नहीं तो 100% हमसे पकौड़ियाँ बनवाते। और लीजा मस्त होकर यहाँ पर बैठी, तो यहाँ पर फटाफट मैंने इसमें जो है कुरकुरे मिक्स किया, क्योंकि कुरकुरे आया था अभी कुंज के लिए। कुंज को तीखा थोड़ा सा पसंद है, अभी को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, वो तीखा नहीं खा पाता है, लेकिन कुंज हाँ बड़े चाव से तीखा खाता है। तो यहाँ पर कुरकुरे मैंने मिक्स किया और सच में इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हो गया हम लोगों का नाश्ता। आप पतिदेव कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि वो मॉर्निंग में ना बहुत कम ही खाते हैं, पूरा दिन वो रह जाएंगे, लेकिन वो मॉर्निंग में खाना उनको खाने को कह दो ना तो वो बिल्कुल नहीं खाने वाले होते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया, और उसके बाद फिर पतिदेव की जा रहे थे हॉस्पिटल। यहाँ पर उनका कपड़ा मैंने प्रेस करके दिया, और थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद की है, मैंने टीवी चल रही थी, तो फटाफट इनका जो है प्लग मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जल्दी, आप लोग जानते होंगे, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कितनी बार तो मेरे कपड़े जल गए हैं इससे। पतिदेव जाने के 10-15 मिनट पहले तैयार होते हैं, क्योंकि बच्चों को उनको घुमाना पड़ता है, बिना बच्चे घूमे मानते नहीं हैं। तो इनका कपड़ा प्रेस करके दे दें, उसके बाद अभी उनके पास 20 से 25 मिनट टाइम है, इन लोग को घुमा के लाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो